आपको पता है पहली बार आपका जिक्र मैंने इन्हीं हवाओं से सुना था, लेकिन तब मैं जानती नहीं थी कि जिस वकार के कसीदे मुझे सुनाई दिए जा रहे हैं वो आप। याद है मुझे जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आने से कुछ ही दिन पहले मैं यही गरीब में कहीं क्रिकेट खेलने आया था, और उस दिन के बाद से तो कभी क्रिकेट का जिक्र हुआ ही नहीं, जैसे सब भूल ही गए हैं। हाँ सच है, मैं बहुत सी गलतियां कर चुका, लेकिन अब उसी तरह जीना चाहता हूं। चाहता हूं मेरा नाम उसी तरह कोच है, उसी तरह कोई अनजान लड़की मेरा नाम सुन के चौंक पड़े। ओहो, अनजान लड़की? हाँ, उस वक्त तो तुम अनजान ही थी ना मेरे लिए। अब सुनो अनजान लड़की, जो कुछ भी हमारी जिंदगियों में आया, हुआ, गुजर गया, क्या वो सब कुछ एक लम्हे के लिए हम बुलाते हैं? मैं वही जिसके कसीदे तुम सुना करती थी, और तुम वही अनजान सी लड़की। तो क्या अनजान लड़की, क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूँ? प्रपोज? हाँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लगी। जूते खाने हैं क्या? अरे क्या कोई अपने मिजाजी शोहर से ऐसे कहता है? अभी तो मैं एक अनजान लड़की थी, तो क्या मुझे अगर एक अनजान लड़का ऐसे मुझसे इजहारे मोहब्बत करेगा तो मैं उसे डांटूंगी नहीं? तो डांटो ना, सीधे जूते खाने को कह दिए। वैसे खाने से याद आया, बहुत भूख लगी, कुछ खाने चलो, कुछ पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। रुकिए, तैयार हो क्या? जाओ। इतनी तैयार भी काफी है, खूबसूरत लग रही हो, इससे ज्यादा तैयार हुई तो शायद मैं खुद पर काबू ना कर सकूं। ठीक है, फिर चलते हैं। आपकी मामा इतनी बुरी नहीं है जो आपको छोड़कर जा रही है। आपको पता है ना, आपकी मामा आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तभी तो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाली मामा के पास सौंप कर जा रही हैं। ऐसा आप अपनी मामा को भूल तो नहीं जाओगे ना? ये तो चीटिंग हुई ना यार। क्या क्या चीटिंग? यही कि तुम ऐसन से इतना प्यार करती हो तो उसे वर्षा भाभी को क्यों दे रही हो? मैंने सोचा कि अल्लाह पाक हमें और दे देंगे। तुम्हें लगा कि बेटा अगर मेरा नहीं है तो हमारा तो है ना, और मैंने कभी कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो तुम्हें बुरा लगा हो। मैं डरने लगी थी कि ये हमारे प्यार के बीच में, अच्छा हमारे प्यार के लिए तुम इस प्यार को दूर करो, और हम कितने अच्छे दोस्त बन गए थे यार, करीब आ रहे थे एक दूसरे के। तुम मेरा दोस्त, मेरा बेटा इस डर के सबब छीन रही हो। मुझे माफ कर दो साथ। थैंक यू सो मच सर। बेवकूफ लड़की, अगर वर्षा भाभी की औलाद नहीं होगी तो मासी खुशी सलाद को दे देगी, लेकिन देखना मुझे पूरी उम्मीद थी बहुत ज्यादा अच्छी औलाद होगी, तुम देखना। इंशाल्लाह साथ फिर मैं इससे अपने साथ। अरे हाँ ना, ये भी हमारे साथ चलेगा तो
तो साथ मुझे तो इसके लिए बहुत सी शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। तो पागल लड़की करेंगे ना। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा घर है। नहीं है ये तुम्हारा घर। शुक्र मनाओ जिस वक्त बाबा ने मुझे वो सब कुछ बताया तुम यहाँ नहीं थी, अपने घर चली गई थी अपनी अम्मी के पास, वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। शुक्र है तू संभाल चुके हो ना खुद को। हाँ खुद को संभाल चुका हूँ, मगर तुम्हें अब मजीद नहीं संभाल सकता। तुम अब मुझे मेरे कमरे में और मेरी नजरों के सामने नजर नहीं आओगी। अच्छा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, जहां जाना है जाओ, मगर मेरे कमरे से बाहर दफा हो जाओ। बकार बेटा, बेटा मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनाहगार, बेशक तुम मुझसे बात मत करो, मुझे सजा दो, लेकिन मेरी विरसा को घर वापस ले आ, ताकि मैं अपने गुनाहों की तलाफी तो कर सकूं। मामूजान प्लीज बंद करें अपना ये सवाब और गुनाह का ड्रामा। वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। तुम कौन होती हो ये कहने वाली? मैं इस घर की बहू, तुम्हारी बीवी। अगर अपनी यही हैसियत बरकरार रखना चाहती हो ना, तो अपनी जबान बंद और आंखें नीची रखना सीखो। मेरी जबान तो मर कर ही बंद हो सकती है। तो फिर मर जाओ, लेकिन अपनी जबान बंद रखो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पर ना सुनो, लेकिन अगर विरसा इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। चलो ए, मुलाकात है ये तेरी। लो अम्मा, मिल लो अपने बेटे से। कैसी हो अम्मा? सिलता। क्या अम्मा, तुम भी दिल बर्दाश्त हो जाती हो। परेशान नहीं हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हद होती है किसी चीज की? अरे कोई शर्म, कोई हया है तुम्हारे अंदर? अगर होती ना शर्म तो आज तू यहाँ इन सलाहों के पीछे ना होता। अम्मा क्या तुम सेंटी हो रही हो? हाँ माँ, बल्कि मैं तो सोच रहा था मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया, मेरा तो सारा डर ही निकल गया। अम्मा अच्छा हो गया कि मैं जेल गया वाखाने। अब तुम देखना बाहर निकल के ना एक एक को देख लूंगा। बेटा जी थोड़ी सी देर के लिए ये दरवाजा खोल सकते हैं? अम्मा मुझे इजाजत नहीं है, ऐसे चिप साहब आ जाए उनसे पूछ के खोलता हूँ। क्या आपकी बड़ी मेहर? अवैस जी सर, खोल दो दरवाजा। ये तो बदबخت है, पर ये तो एक माँ है, माँ को मिलने दो अपने बेटे से। बड़ी मेहरबानी साहब जी। मेहरबानी। क्यों हैरान हो रहा है? क्यों दीदे फाड़ के देख रहा है मुझे? है कहाँ देर की मैंने ये थप्पड़ मारने में? काश ये थप्पड़ मैंने तेरे मुंह पे पहले मारा होता तो आज तू इन सलाखों के पीछे तो ना होता। कोई शर्मिंदगी नहीं कैसे शेरों की बातें कर रहा है? अरे सुन, कुछ बता दे, फिर से आई थी मकान के कागजात लेके, कहने लगी चाचा ये मकान मैंने आपके नाम कर दिए। ले लिया आपने? बहुत पैसा ना था। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है तुम खून ही नहीं है। रोती तो मैं पहले भी बहुत थी तेरे लिए, और याद अब भी तेरी याद में रो, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी, सह लूंगी। अब तू यही रह, यही मर, नहीं आओगे तुम, नहीं आओगे।